माने सामने मीट मछली बनी तो धर्म के थ्री हो बहुत बढ़िया बकरा प्रशासन के भी बहुत बढ़िया बहुत 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 काफ़ी भूमिका बा बहुत बढ़िया। क्या नाम पड़ी रहो? 365 दिन में। लेकिन अभी तो खुलल बा दुकान। तो अभी खुलल बता, रात तो चलत नहीं है, संडे तक चली, फिर सोमवार से लौ प्रमाण, फिर दीपावली से लेकर छठ ही तक बंद। फिर यहाँ पे अपना मीट मछली के दुकानदार को कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से हटा लेंगे, जो भी ये वर्जित नहीं किया जा रहा आप लोगों को, जो भी जिनको भी बेचना है इससे दूर हट के कहीं पे अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा, लेकिन पंडाल के आसपास आजू बाजू कहीं पर भी मीट मुर्गा की दुकान नहीं रहेगी, बंद रहेगा। गुड लागत अनिश समाचार बटुए बक्सर जिला के कुरान सराय थाना से बड़ा खबर निकल के सामने आ रहा बटुए। दुर्गा पूजा के लेके मीट मछरी के दुकान बंद करे के फरमान भइल जारी। दुकानदार लोग के चोंगा माइक से दिहल गई चेतावनी, जाके समझले थानेदार। खबर का बटुए सब कुछ बताई भोजपुरिया समाचार, पब्लिक के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार, अंडा दुकानदार के भी बयान सुनाई भोजपुरिया समाचार। थानेदार माइक लगा के का कहले इहो देखाई भोजपुरिया समाचार। कहल गइल बा कि जवना दिने बिहार पुलिस के जवान शपथ लेवेलन, जवना दिने से उनकर ड्यूटी के शुरुआत होला, वो दिने शपथ में रहेला कि पुलिस आ पब्लिक के संबंध मित्रवत रही, कहीं से भी कौनो गड़बड़ी के सूचना रही ओकरा पहले ही पुलिस ओकरा के भापत ओकरा के पटरी पर ले आवे खातिर कार्य करी। जी हाँ, ऐसने जिला के एगो थाना जेकर की नाम के मोहताज नहीं खे, जी हाँ कुरान सराय थाना के थानेदार जुनैद आलम फिर से एक बार चर्चा में आइल बानी। चर्चा ई बा कि सरकारी आदेश से पहले यहाँ के आपन सोच आ समझ के द्वारा हिंदू मुस्लिम साथे साथे सब धर्म के मिला के चले खाती एगो नाजीर पेश कुरान सराय बाजार में कैनी। मामला का रहे, दुर्गा पूजा समिति के द्वारा यह कुरान सराय के बाजार में पंडाल के निर्माण कैल जात रहे, ओकरा सटले मुर्गा मछरी मीट कटात रहे, जेकरा के लेके यह समिति के लोग के हाल ई हो गई रहे कि सांप आ छुछुनर के हाल हो गई रहे। लीलब तो आन्हर होखब आ उगिलब तो आन्हर होखब, माफ़ करब लीलब तो मुँह अब उगिलब तो आनर होकब। अब लोग के कहल ना जात रहे खुल के है दुकानदार लोग से कि अपन धंधावा बंद कर दो, लोग दुर्गा जी रखाए वाला बाड़ी। जेकरा बाद दबे जुबान भोजपुरिया समाचार के ही पता लागल, भोजपुरिया समाचार भी मजबूत स्तंभ के साथ थानेदार जुनैद आलम के बात बतैलस। थानेदार हमेशा अपन क्षेत्र में शांति बहाल करे खातिर लगातार प्रयास करेलन। एकरा बाद इतना सुनते थानेदार के माथा थनकी गईल, संध्या के समय जब बाजार लागल रहे तो अपन गाड़ी लेके थानेदार जुनैद आलम पहुँचल, आ पहुँचला के बाद अपन गाड़ी से ही अनाउंसमेंट कैले कि 25 तारीख से नवरात्र शुरू हो जाए, जितना भी मीट मछरी अंडा बेचे वाला दुकानदार बने अपन हिजा से दुकान हटा लेस। धर्म सबके बराबर हटुए, चाहे वो हिंदू के धर्म होखो चाहे मुस्लिम के धर्म होखो, सब धर्म सौहार्दपूर्ण वातावरण में मने के चाही। जा जाके प्रत्येक दुकानदार के चेतावनी दे लें। एकरा बाद तब का बाजार में खुशी के लहर दौड़ी गई, भोजपुरिया समाचार बाजार के लोग के बयान सुनाई लाइव देख। यहाँ ये पिंडाल लगा हुआ है ना, यहाँ पे नवरात्रा के दिन से मछली नहीं लगेगी, नहीं बिठाएगा, बंद हो जाना है, ठीक है। 24 तारीख कहीं बेचना है, मुर्गा नहीं करना है।
अगर आप लोगों को कहीं देखना है तो आप लोग अपना दूर दराज में जहाँ पे ये पिंडार नहीं है वहाँ पे जाके अपना कीजिएगा। आपको ये नहीं कि वर्जित किया जा रहा है, आप अपना व्यवसाय कीजिए, लेकिन यहाँ से हाथ नौरात्रा कब है? 24 से 25 25 25 से यहाँ पर ये सबका दुकान नहीं है। ठीक है, मीट मुर्गा बेचने वाले सुनिए, सभी लोग जितने लोग नाम बाजार में हैं अपना सामान ले रहे हैं, मीट मुर्गा बेचने वाले, ये आपके सामने बाजार में आपका पिंडा लगा हुआ है, ये आस्था का पर्व है, दुर्गा पूजा आने वाला है, उसका काम चल रहा है, नवरात्रा जिस दिन से शुरू है शायद 25 से यहाँ पे अपना मीट मछली के दुकानदार को कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से हटा लेंगे, जो भी ये वर्जित नहीं किया जा रहा आप लोगों को, जो भी जिनको भी बेचना है इससे दूर हट के कहीं पे अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा, लेकिन पंडाल के आसपास आजू बाजू कहीं पर भी मीट मुर्गा की दुकान नहीं रहेगी, बंद रहेगा। आस्था का पर्व है, यहाँ पे मंच लगा हुआ है, यहाँ पे दुर्गा माई बैठाई जाएगी, इसलिए आप लोगों को हिदायत किया जाता है कि नवरात्रा के दिन से आप लोगों का दुकान यहाँ से हट जाना चाहिए। मीट मुर्गा मछली बेचने वाले जितने भी व्यवसाय कर्मी हैं, जो मीट काटने वाले हैं, मुर्गा काटने वाले हैं, उनको हिदायत किया जाता है कि नवरात्रा के दिन से आप लोग यहाँ पे दुकान अपनी ना लगाएंगे। यहाँ पे दुर्गा पूजा का पिंडाल लग गया है और इस पिंडाल में प्रतिमा बैठाई जाएगी, इसलिए आप लोग नवरात्रा के दिन से ही यहाँ पे मीट मछली मुर्गा जो भी व्यवसाय कर्मी है वो कहीं दूर जाके अपना अगर बेचना है तो दूर जाके कहीं बेचेंगे, यहाँ पे आसपास में नहीं बेचेंगे। धन्यवाद। मीट मछली के हिदायत दिहल गया, क्या कहो? प्रशासन के द्वारा बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया और धार्मिक आस्था बा हमनी के, और मीट मछली के दुकान पूजा में बंद रही तो बहुत अच्छा हुई। बगल में मेरा और बगल में ही पंडाल बाटे, जना से वही में कट रहा बाटे, और प्रशासन के द्वारा और हमारे पत्रकार साहब के द्वारा बहुत ही अच्छा कदम जो हिदायत दिया गया कि 25 तारीख तक आप जो है अपना मीट मछली के दुकान बंद कर दीजिए। मैं प्रशासन और पत्रकार साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खुश बनी? हाँ, हम लोग खुश हैं सर। हाँ, होना चाहिए एकदम। नाम पड़ी रहो? संतोष कुमार शर्मा, घर पुरान सरैया। बंद हो गए मीट मछली? बहुत बढ़िया, धर्म के बहुत बढ़िया, धर्म खातिर पूजा के समय बा 25 रुपये कम होता ये मैंने सामने मीट मछली बनी तो धर्म के थ्री हुई, बहुत बढ़िया बकर खाती, प्रशासन के भी बहुत बढ़िया भूमिका, बहुत 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 काफ़ी भूमिका बा, बहुत बढ़िया। क्या नाम पड़ी रहो? झंझ पसवान, और कुरान सरिया जाए तो अच्छा रहेगा, सबका आस्था है, सबका अपना धर्म है, हिंदू धर्म तो सब मानता है, तो मान लिया जाए कि हटा दिया जाए तो अच्छा ही है। जिसको खाना है उसको अलग से साइड में व्यवस्था कर दिया जाए, वो अपना खाता पीता रहे, कुछ दूरी पे हटा दिया जाए उसको, इसके लिए हम सहमत हैं। ये जो कदम उठाए बहुत अच्छा है, मान लिया जाए कि अगल बगल पूजा हो रहा है वहीं मीट मछली ये वो गंदगी पंदगी फैल रहा है तो ये अच्छा चीज़ नहीं है। हम उनका दुकानदारी बंद करने के पक्ष में नहीं है, आप साइड में जाओ, ऐसा जगह जाओ इस एरिया से बाहर रहो, ठीक है ना? जिसको खाना होगा वो खाएगा, जिसको नहीं खाना होगा वो नहीं खाएगा, लेकिन हाँ अब अगर वहाँ पंडाल है तो ये तो बिल्कुल गलत है, उसको बंद होना चाहिए। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ, मेरा घर कुरान सरिया है। प्रशासन अनाउंस किया सर, तुम्हारा अंडा का दुकान बनो? जी जी बोली। तो क्या सहमत बनी काची में अभी जो नवरात्र चलता है मैं बंद कर क्या देते हैं? हाँ हम बंद रहो, 100% नुकसान होई कबो ना, सोचबो मत करो, साल में 365 दिन होला, जौना में
हम हाँ नहीं हम 60 दिन बंद रखी 365 दिन में तो अभी तो खुलल बड़ा दुकान तो अभी खुलल रात तो चलत नहीं है सो संडे तक चली फिर सोमवार से लॉक प्रमाण फिर दीपावली से लेकर छठ तक बंद फिर अथी में सावन में एक माह बंद हाँ ऐसा हमेशा पूछी जनता ले बंद रहा हम हमारे प्रमोद साहब नाम वार्ड सदस्य जी 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 नंबर वार्ड के 5 नंबर